मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए खरबूजे का जूस लेकर आई हूँ, ठीक है। ये चलिए देखिए, ये खरबूजा, आधा खरबूजा हमने लिया है, बहुत बड़ा था तो आधा ही लिया है, आधा रख दिया है। तो इसको मैं बनाऊँगी। आप नानी दादी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं बनाऊंगी रेसिपी आपको पहले ही देखने को मिल जाएगी और आप लोग उसके बनाकर खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं रेसिपी के, ठीक है। ये चलिए देखिए, ये खरबूजा बीज निकाल दिया हमने और अब इसके ये ना टुकड़े टुकड़े करे थे, अब इसको ये छील दूंगी। इसे पतले पतले ना फाक काट लिए थे, अब इसको मैं छील दूंगी सारे को, ठीक है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है जूस, तो किसी भी चीज़ के बना के खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल तो खरबूजों का सीजन है, खरबूजा, तरबूजा, आम, इन सब का जूस तो बनाइए, खाइए, बहुत अच्छा लगता है। और हमें कमेंट किया करिए आप लोग, हमारी रेसिपी के बारे में आप लोग बताते नहीं हैं, आप लोग बताएंगे तभी हम उसके बाद जैसे आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, उस हिसाब से मैं करूँगी काम। समझ नहीं आ रहा है मेरे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, ठीक है। ये देखिए काट दिया, अब इसको जार ले लूँगी, एक बड़ा वाला सा मिक्सी जार, ये आ गया। अब इसमें इन टुकड़ों को डाल दूँगी, इसको ग्राइंड करना है, जूस बनाना है ना तो ग्राइंड करना पड़ेगा। इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दूँगी, 2 गिलास जूस के हिसाब से बना रही हूँ मैं। 2 चम्मच चीनी डाल दिया, ये खाने वाला चम्मच है, उससे टेबल स्पून जो होता है उससे मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, हमें ज़्यादा मीठा हम नहीं खाते इसलिए हमने कम ही डाला है। ये देखिए हमारा ग्राइंड हो गया, ये खरबूजे का जूस ना बनकर तैयार हो गया। अभी हमने गिलास रखा हुआ है, अब मैं इसमें डालूँगी इसको, ठीक है। पर इसके पहले इसमें कुछ और डालूँगी, सीक्रेट चीज़ जो हर जूस में पड़ता है शायद। ये देखिए आइसक्रीम है, ये मैंने घर में बनाई थी आइसक्रीम, हमने घर से नहीं खाएंगे, आज जूस से ही खा लेंगे। ये देखिए इसमें के लकड़ी हमने निकाल दिया, जो इसका स्टिक होता है, हमने कहा तो जूस में कैसे डालेंगे, ऐसे इसको निकाल करके ना इसमें डाल दूँगी गिलास में, ठीक है। तो अब इसमें मैं ये जो खरबूजे का बनाई हूँ ग्राइंड करके, अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये लो, ये देखो जी, पड़ गया ना खरबूजे में। तो आप लोग भी ऐसे बनाइए, खाइए। प्लीज़ हमारी रेसिपी के बारे में आप लोग बताइए, हमें सुझाव दीजिए कि हम कैसे करें, क्या करें। आप हमें साथ दीजिए, सुझाव देंगे तभी हम कर पाएंगे काम। साथ दीजिए प्लीज़, लाइक भी करिए। देखिए ये हमने डाल दिया दोनों में, ये बर्फ़ है, ये इसे ना हमारे बर्फ़ जमाने में ना थोड़ा बड़ा बड़ा है उसका स्टैंड जो होता है ना सांचा, हाँ, तो उसमें मैंने जमाया था, उसे 4 निकाल लिया और एक एक कर, दो दो करके हमने दोनों गिलास में डाल दिया, ठीक है। और ठंडा ठंडा हो जाएगा, पीने में बहुत अच्छा लगेगा। अब ये 2 तरफ की आइसक्रीम जो बच गई थी, फिर इसको ऊपर से डाल दूंगी इसके। ये देखिए ये इसमें पड़ गया, दोनों में पड़ गया, अब ये हो गया तैयार हमारा जूस, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी ऐसे बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और हमें कमेंट इस बार ज़रूर करेंगे हमारे जूस के बारे में कि कैसा बना आप लोगों का। आइए, हमने खरबूजा काट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके रखा है था, वो इस पर डाल दे रही हूँ, थोड़ा मुंह में आएगा खरबूजा खाने के पीने के टाइम, लास्ट में आएगा क्योंकि जूस तो पी जाएंगे, लास्ट में बचा रहेगा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये डाल दिया हमने, 4-4 पीस है छोटा छोटा टुकड़ा, वो सारा डाल दिया हमने इसमें। ये लो जी, तैयार हो गया हमारा जूस। अब इस पर एक छोटा पुदीना रख दूँगी, ये देखिए। तो ठीक है, हम चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ। आप लोग इस तरह से बनाइए, खाइए, पीजिए और कमेंट के बारे में, रेसिपी के बारे में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। नमस्कार।